9 तारीख को एफआईआर रजिस्टर किया, 10 तारीख को 164 का बयान दर्ज कराया और 10 तारीख को 10:30 बजे रात को मुझे नोटिस सर्व किया कि कल होकर के 10:30 बजे सवेरे आप आइए पूछताछ के लिए। तो 11 को हमें आना था, हमने 11 को एंटीसिपेटरी बिल दाखिल किया। 11 का एंटीसिपेटरी बिल 14 तारीख को हेयरिंग पे आया, 14 तारीख को वो डिसमिस हुआ लोअर कोर्ट में, फिर 14 को हम हाई कोर्ट मूव करने का फैसला किया, 15 को सवेरे हमने फाइल किया मेंशनिंग की और 15 को हमें बेल मिल गई, आज हम आपके सामने खड़े हैं। तो देर कहाँ हुआ सर, एफआईआर के अगले दिन देर कहाँ हुआ? अभी इसमें सुनने का जो मुद्दा ये है कि एक जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अर्नेश कुमार, उसमें 498A और 406 इन दोनों में अब अरेस्ट उतना आसान नहीं जितना पहले हुआ करता था। पहले ये भयावह सेक्शंस हुआ करते थे, उसमें सब प्रताड़ित हुआ करते थे। इनको लगा कि भाई इन दोनों सेक्शंस में तो हम अरेस्ट कर ही नहीं सकते, तो जानबूझ करके एंड ऑल विद रॉन्ग इंटेंशन 307 लगा दिया अटेम्प्ट टू मर्डर, और फिर 313 लगा दिया कॉजिंग मिसकैरेज। हम मुझ पे उस लेडी का मर्डर का इल्जाम लगाया, अटेम्प्ट मर्डर का इल्जाम लगाया, जो मुझे लिखते हैं कि स्वीट हार्ट कम होम आई विल टेक केयर ऑफ यू, अभी लिखी उन्होंने 25 फरवरी 2015 को। अब ऐसा आदमी जो कि किसी का मर्डर करेगा, क्या उसे वाइफ इस कदर से घर बुलाएगी? तो इस पे कोई इनका कोई मंशा नहीं है। और ये जो खटाखट एक के बाद एक एफआईआर, फिर 164 का बयान, फिर एनबीडब्ल्यू, जिस कदर से इसमें गति है पूरे प्रोसेस के अंदर और जिस कदर से मेरे घर का, मेरे ऑफिस का, मेरे दोस्तों के घरों का, मेरे सपोर्टर्स के घरों का, मेरे लीगल क्लाइंट्स हैं उनको फोन कर करके पुलिस ने थाना आने को बोला है, साफ जाहिर होता है। और जो लोग मेरे घर आए थे, मेरे ऑफिस आए थे, उसमें से उन्होंने ये बात मानी कि हम होम मिनिस्ट्री से आए हैं, तो होम मिनिस्ट्री से लोग इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा कौन सा बड़ा टेररिस्ट था मैं?